हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, सुशांत के सुसाइड पर शेखर कपूर ने कर दिया है खुलासा। जी हाँ, उन्हें पता था कि कौन है इस साजिश के पीछे का जिम्मेदार। शेखर कपूर ने एक ट्विटर के जरिए बताया कि वो जानते थे कि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी परेशान चल रहे हैं और जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठा लिया है, और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है इसकी भी बात उन्होंने कही। दोस्तों, बताएंगे आपको कौन है वो शख्स, लेकिन अगर आपने हमारा चैनल फिल्मी बीट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है और ये मुद्दा बॉलीवुड में गर्मा गया है। कई लोग बॉलीवुड को मतलबी दुनिया बता रहे हैं और इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुशांत के निधन के बाद से डायरेक्टर शेखर कपूर ने एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। शेखर कपूर के इस ट्वीट के बाद उस पर काफ़ी रीट्वीट्स हुए। वेल, आपको बता दें शेखर कपूर ने क्या लिखा था। उन्होंने कहा कि मैं इसे अपनी बदकिस्मती मानता हूं कि पिछले 6 महीने से जब वो इस दौर से गुजर रहा था तो हमारी बात नहीं हो पाई। जो कुछ भी हुआ है ये किसी और के कर्मा थे, लेकिन भुगता किसी और ने। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये किसी और की वजह से हुआ है। वेल, इस ट्वीट पर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं। आपको बता दें कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। जी हाँ, शेखर कपूर ने सुशांत के लिए ये बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि सुशांत बेहतरीन कलाकार थे और वो रात को 3-3 बजे तक अपने करेक्टर को लेकर मुझे फ़ोन भी करते थे। जी हाँ, जो किरदार उन्हें निभाना होता था उसको लेकर वो काफ़ी पैशनेट थे। उन्होंने बताया कि उन्हें एक फ़िल्म मिली थी जिसका नाम पानी था और वो फ़िल्म यशराज बैनर के तले बनने वाली थी। इस फिल्म का पूरा काम हो चुका था, वर्कशॉप भी हो गई थी, लेकिन फ़िल्म आखिरी मौके पर आकर नहीं बन पाई। यशराज बैनर्स ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और इस फिल्म में मेन लीड निभा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, जो कि गौरा का किरदार निभाने वाले थे। इस फिल्म के बंद होने पर सुशांत सिंह राजपूत को काफ़ी धक्का लगा। वो काफ़ी परेशान भी हो चुके थे और वो इस बारे में उन्हें रात को 2-2, 3-3 बजे फ़ोन कर बताते भी थे और वो इस फिल्म के बंद होने पर रोए भी थे। यानी कि कहीं ना कहीं काम ना होने की वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे और उन्हें गहरा सदमा लगा था। फिलहाल तो शेखर कपूर ने कहा है कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने एक ऐसा अदाकार खो दिया जो कि काफ़ी बुलंदियों पर पहुंच सकता था। वेल, दोस्तों, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि अब हम शायद ही सुशांत को कभी बेहतरीन फिल्मों को करते हुए देख पाएँ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी है आपको वीडियो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।